हे गाइस, दिस मातन शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और अगर आप पहली बार देख रहे हो भाई को, तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो वीडियो को। और आज खैर मैंने जैसा आपको बताया था कि इवेंट होने वाला है नेक्स्ट, और ये भानु के साथ ही भाई अपना सेलर साहब इनके साथ। और क्या इवेंट है आज बताइए, सेव वाटर पे है वैसे तो भाई, जैसा हमारा लास्ट इवेंट हुआ था उसी टाइप। हेलो अगेन फ्रेंड्स, तो आज जैसे कि हमने आपको बताया था इवेंट होने वाला है हमारा, तो वो इवेंट हो रहा है अभी। आप देखिए कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, देखिए लोग देखिए आप। हाँ, अभी हम जा रहे हैं, रैली करेंगे फरीदाबाद में, जो स्टार्ट होगी टाउन पार्क से, सेक्टर 31, 28, 29 को कवर करके हम वापस यहाँ पे आएंगे और बहुत मजा आने वाला है। और ये जिसने करवाई है, पहले मैं ये बता देता हूँ किस किस ने करवाई है, साइकिलिंग और नथिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने करवाई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने, और पुलिस डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन, दक्ष फाउंडेशन वालों ने मिलके कोलैब करके ये बनाया। और जो और इनका सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो है जो दिल्ली के फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर है, क्या नाम उनका, यशपाल, यशपाल यादव जी, यशपाल यादव। तो वही है, बाकी हम आपको एक बार मिलवाता हूँ सबसे। चला हाँ, तो फरीदाबाद की आवाज़ सुना दो इनको। नहीं, तो फरीदाबाद वाले बच्चों अपनी आवाज सुनो, भारत माता की, भारत माता की, माई सिटी, माई सिटी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मार्टफोन रखने से कोई स्मार्ट नहीं बनेगा, राइट? उसके लिए हम लोग को एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और जो जो हम लोग के साथ रहेगा उसको हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। साइकिलिंग और नथिंग की टीम, ठीक है, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम लोग मीडिया कर्मचारी, हर कोई उन बच्चों को सपोर्ट करेगा। डीसी को कहते हैं जिला उपायुक्त, जिला प्रशासन, जो पूरे आज फरीदाबाद के प्रशासन के हेड होते हैं उनको कहते हैं जिला उपायुक्त। और जिला उपायुक्त कैसे बनते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करके बनते हैं। आज इनको मतलब पूरे फरीदाबाद में जितने भी लोग आते हैं सब उनके अंडरटेकिंग में काम करते हैं ना। तो आज ऐसी डिग्निटी हम लोगों के बीच के अंदर, आप लोगों को आज ये जो रैली जो ओपन करने जा रहे हैं उसको हरी झंडी दिखा के वो हेड करेंगे, और आपको आज के जो आप अवेयरनेस करने जा रहे हैं उसके लिए ब्लेसिंग करेंगे। बढ़िया था, मुझे लगा सेक्टर 12 में कर रहे हैं तो मैं भी साइकिलिंग करूंगा, मैं तो ऐसे पहन के आया। हमारे बीच के अंदर आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप के अंदर जिला उपायुक्त महोदय यशपाल जी पहुंच चुके हैं। एक बार सभी बच्चों से जोरदार इनका ताली करके स्वागत करेंगे अपन। प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, एक एक इंच की, एक संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण में प्लास्टिक को बचाएं। सबसे पहले तो मैं जो आयोजक है उनको बधाई देना चाहूँगा। पहली बात तो साइकिलिंग होगी, और उससे भी महत्वपूर्ण है जो मैसेज आप देंगे लोगों को। पानी वास्तव में ही बहुत प्रीसियस है, और आने वाले टाइम के अंदर इसकी कमी आप लोगों को और महसूस होगी, तो ये बहुत राइट एक मैसेज देगा सोसाइटी को। मुझे लगा शायद आप लोग सेक्टर 12 के अंदर कर रहे हैं, तो मैं साइकिल लेकर वहाँ पहुँच गया था, मुझे वहाँ पता लगा, तो वहाँ से यहाँ तक साइकिलिंग करना थोड़ा लंबा पड़ता है और लेट होता है। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ साइकिलिंग करते हुए देखूँगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा, बट बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग एंजॉय करें इसको और एक राइट मैसेज समाज को दें। और उससे भी महत्वपूर्ण हमेशा ये होता है कि अगर आप एग्जांपल से लीड करें, शब्दों से लोगों को बताना शायद मुश्किल होता है, लोग उस बात पे बहुत बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अगर उस चीज़ को जीता है, खुद ऐसा करता है, तो लोग उसको अनुकरण करते हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, और आप लोग एंजॉय करें, राइट मैसेज दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बच्चों, आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आप लोगों के बीच के अंदर, अब सबने भी साइकिलिंग पे आ गए हैं, और देखो पूरे तरीके से बिल्कुल फिट होकर तैयार हो गए हैं। तो हमारे को जो भी काम करना है पूरे अनुशासन के साथ में करना है, और संयम के साथ काम करना है। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे जिला उपायुक्त महोदय यशपाल यादव जी करेंगे हरी झंडी दिखा के, और थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ में भी चलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तो गाइस रैली शुरू हो गई है ये अपने व्हीकल के साथ वो करेगा क्या करेगा तू सबसे आगे चलाएगा हाँ। तो वो आगे निकल गया अंकुर भैया को बुलाओ फिर चलते हैं बाकी अभी आपने देखा ही यशपाल जी आके उन्होंने हमारे बीच में कुछ चार शब्द कहे और बाकी हम आपको बताते हैं जैसे भी होता है इवेंट के बाद मिलवाते हैं सबसे एक्सपीरियंस पूछते हैं जो है वो जब हमारे आयुक्त आप साइकिल चला सकते हैं तो आप सब भी साइकिल चला सकते हैं चल ही जीवन है चल ही जीवन है यूट्यूबर साइकिलिंग और ये आराम से भैया कैसे कुदा रहे हो हेलमेट पहन के आना अगली बार ये उनसे सेक्टर की आरडब्ल्यू है हमारी और फरीदाबाद के जागरूक नागरिक पहुंच चुके हैं अपने अपने एक्टिविटीज के साथ बच्चों टेक अ ब्रेक भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय राम से छोटे राम से हेलो करे हेलो क्या नाम है क्या नाम है हार्दिक अब वीडियो क्यों बना रहे हो यूट्यूब पे डालेंगे क्योंकि हम हाँ साइकिलिंग और नथिंग सो हियर इज द मैन बिहाइंड द शो आइए देखिए दैट द स्मॉल बॉय विद द बिग टायर्स हेलो हेलो क्या नाम है कृष्णा कृष्णा कहाँ से हो ये साइड में पुलिस लाइन है हम इसी में रहते हैं पुलिस लाइन में हाँ अब आना इवेंट पे आओगे ना आगे हाँ मेरे पापा ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अच्छा हाँ फिर तो आओगे ही और ये टाउन पार्क की तरह पढ़ते हुए बच्चे एक सफल संदेश देते हुए कि साइकिल चलाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है आप सभी लोगों को बधाई ये जो बच्चे हैं वो इतना जोश से साइकिलिंग कर रहे थे और एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे इतनी एनर्जी सिर्फ इसी उम्र में हो सकती है तो इनके साथ में साइकिलिंग करके इनकी एनर्जी का एहसास मुझे भी हुआ और इस तरह के आयोजन बाकी हिस्सों में भी होने चाहिए और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन NGOs और इंडिविजुअल्स जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं वो बधाई के पात्र हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए सारी दुनिया सामने नहीं आती है हमेशा ही कुछ ही लोग सामने आते हैं लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम लोग ही शो कर पाते हैं इसलिए लीडर्स एक्चुअल में कम होते हैं तो आप सब लोग जो यहाँ पर हैं और विशेष तौर पे ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं ये शहर के अंदर लाखों बच्चे होंगे लेकिन कुछ ही लोग सामने आए हैं तो लीडरशिप इनके अंदर है इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके एग्जाम्पल को देख कर बाकी लोग भी सामने आएंगे और दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज यहाँ पर हुई हैं फिजिकल एक्टिविटीज सुबह सुबह और दूसरा जल संरक्षण का जो संदेश यहाँ से बच्चों ने दिया है वो पूरे शहर तक पहुँचे और शहर से निकलकर बाहर जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है उससे बाहर जाए बाकी लोगों को इस बारे में भी मैसेज हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो सुबह यहाँ आए हैं इकट्ठा हुए हैं आप लोग यूनिक हैं और आप देश और समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं इस चीज़ के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला आपने मुझे इनवाइट किया और इतने टाइम के बाद फिर से साइकिलिंग का मौका दिया इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं थैंक यू वेरी मच जय हिंद कैसी थी राइड बताओ और कुछ इको वॉरियर्स आईपी कॉलोनी कैसी लगी अभी राइड बहुत अच्छी थी अब आओगे डेली नहीं डेली डेली तो है ही नहीं इवेंट
जब भी होगा आओगे ना? सही थी, आओगे डेली? पक्का डेली होगा ही नहीं फिर तो मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई भाई लड़कियाँ समझदार होती है, तुम्हें नहीं पता कुछ। तुम ये पीते रहो प्री वर्कआउट, ये पहले पीते बाद में नहीं पीते। अब एनर्जी का क्या करोगे, अब तो हो गया काम एनर्जी वाला। अब बताओ अब सर कैसी थी राइड? अच्छी थी, मजा आया। अब आओगे? पर तुम तो यार वीली मार रहे थे, तुम तो कह रहे थे वीली मार के दिखाओ। वीली वीली नहीं मारनी होती, सिर्फ साइकिलिंग। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करो। कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, साइकिलिंग और नथिंग। अरे बस वो तो ऐसा कर दिया है, रोना आ जाएगा मुझे। अब लग रहा है कि भाई साइकिल ही चलाओ। ये देखो पहले मैं बहुत कमजोर हो रहा था, घर से वर्क फ्रॉम होम ने, ये है मेरी साइकिल, ये है मेरी साइकिल वाले, और यहाँ पे फाड़ी हो रही है। बताओ बहुत मजा आया, और प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करना इस चैनल को, साइकिलिंग और नथिंग। ये लड़की रुलाएगी मेरे को, ये पक्का रुलाएगी मेरे को। जो जो यूट्यूब पे आना चाहते सबको ही सब्सक्राइब करना इस चैनल को। बस बस आप दबने में दब लो आप। पहले बताओ कैसा था? आप तो गाड़ी पे थे, आपके लिए तो क्या ही था, क्या ही था, ठीक ही ठाक। अब ले लो साइकिल, अब मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ साइकिल लेने के लिए। आप तो, आपको साइकिल लेनी ही लेनी पड़ेगी ना, अब मैं जुड़ गया हूँ तो देख लो, मैं मानूंगा नहीं ऐसे। अंकुरित चले, इसके नाम से मिलता जुलता अंकुरित, अंकुरित यानी अंकुर में आईटी जोड़ दिया, अंकुर में आईटी जोड़ दिया, अंकुरित हो गया। तो ये ब्रोटोस वोकल फॉर लोकल के ऊपर इस कैंपेन का हमारा न्यूट्रिशन पार्टनर है। इसके अंदर हमारे खुद आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लजीज 2 मिनट्स में मैगी नहीं बनती, मगर इस तरीके के ब्रोटोस वाले ये बन जाते हैं। तो आप भी खाइए और सबको खिलाइए और खिलाइए। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से टीम यहाँ पे हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना के बाद बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं वो जूम क्लासेस ले लेके डीएक्टिवेट बोर्ड पे जा चुके थे। हम लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना स्मार्ट फोन्स के साथ साथ बच्चों को भी स्मार्ट करें और उनको अपने नेटवर्क के बारे में बताएं, साथ में एक्टिविटी कैसे हम लोग कर सकते हैं थ्रू, जैसे ये अब हम लोगों ने इसे लिखा है, इट इज़ हैंड रिटन, इसे कैलीग्राफी कहते हैं। तो अलग अलग थीम के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। इंडियन आर्ट्स गिल्ड के हम लोग टीम वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज बच्चों के लिए करवाते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्किंग में जब लोग आते हैं तो आप साइकिल चलाइए, बाइकिंग कीजिए। आप जिस तरीके से यूट्यूब पे आप ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दें, ताकि बच्चे जब जब कहीं अपने आस पड़ोस में कुछ गंदगी देखते हैं उसके बारे में अपने RWS को बताएं, उसके बाद फिर वो हम लोग के माध्यम से जिला प्रशासन तक जाता है। तो ये छोटी सा प्रयास था जो पिछले 2 हफ्ते में हम लोगों ने कर दिखाया। यहाँ पे भी पहले बहुत गंदगी होती थी, और आज देखिए साफ सफाई है। तो इस तरीके से ये मोमेंटम हम लोग चालू रखना है, और चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी माई सिटी आई केयर के साथ आप सब जुड़े, और हम लोग अपने फरीदाबाद को, अपने एरिया को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। धन्यवाद। हाँ तो गाइस, आई होप आपको ये इवेंट पसंद आया होगा, और आपको जैसे भी आगे जो भी इवेंट्स होंगे हम आपको उसका अपडेट देते रहेंगे। आप प्लीज़ साइको ट्राइब, हमने हमारे साथ के बंदों ने और हमने एक टीम बना के एक पेज शुरू किया है इंस्टा, और बहुत जल्द यूट्यूब पे भी शुरू करेंगे। तो आप साइकिलिंग और नथिंग को तो सब्सक्राइब करना ही करना, और साइको ट्राइब को भी साथ साथ करना, और बाकी हमारे मेन जो क्या कहते हैं मेन लॉन्च जो है देखिए कुछ नहीं, मैन ऑफ द मैच, द पॉइंट इज माई सिटी आई केयर, जो भी है जो भी नहीं वी केयर में, तो हम सब कहीं ना कहीं आ जाते हैं। आई होना चाहिए पहले, वी तो बाद में होगा, पहले आई होना चाहिए। ये इवेंट करवाया, आप देख सकते हैं कि पूरी जगह लोकेशन इसी तरीके से साफ करवाई थी, और छोड़ के भी हम लोग साफ करवा के ही जा रहे हैं, ताकि हम लोग एज अ रोल मॉडल की तरीके से बच्चों को ये समझाए कि ये सिटी आपकी है, आप यहाँ के ही हो, हम सब लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके साइकिल के साथ अपने अपने जोन में टहले और हेल्दी, और हम पे ट्रस्ट तो कर ही सकते हो। देखो हमने कितनी सफाई कर दी है, बढ़िया है ना। और सब्सक्राइब ये देखो, और सब्सक्राइब कीजिए भाई। देखो जैसे प्लास्टिक है भाई, हमने अपने पास रखा है, बाहर प्रॉपर जगह पे जाके इसको फेंकेंगे, डस्टबिन में। जो इन्होंने बताया, और चैनल साथ में
एक्टिविटी के साथ जुड़ जाइए, कुछ अच्छी चीजें शेयर कीजिए, लेट्स हेल्प। और जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे इस चीज को और बढ़ेंगे, और हो पाया तो फरीदाबाद में बहुत जल्द साइकिल ट्रैक्स देखने को मिलेंगे आपको। और आपको जूस पिलाते हैं, आइए। हमें तो पिलाया ना आपको, कब पिलाएंगे? ठीक है गाइस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। ये हम हैं, ये हमारी साइकिल रैली हो रही है, और ये हमारे पौड़ी हो रही है। मैं हूँ, ये हमारी जनता है, और ये हमारी पौड़ी हो रही है।